क्या आपको मालूम है कि माइक्रोवेव जिसमें हम खाना बनाते हैं वो बाई मिस्टेक इन्वेंट की गई थी। तो इतनी अच्छी गलती किस महापुरुष के द्वारा की गई थी और सबसे पहली वेव कैम किसके द्वारा बनाई गई थी? और अब जानते हो कि सबसे पहली टीवी रिमोट टीवी सेट से एक वायर के साथ जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहले वायरलेस टीवी रिमोट की इन्वेंशन किसने की? तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इसी तरह के ऑसम फैक्ट्स लेकर आया हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौतम और आप देख रहे हो फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, टाई तो आप सभी ने पहने होंगे पर आप अपनी टाई को कितने तरीके से बांध सकते हैं? 5, 10, 20, 50 या फिर 100 या मान लो 1000, पर मुझे नहीं लगता कि आप इतने तरीके से अपनी टाई को बांध सकते हो। मैं आपको बता दूं कि स्वीडन के एक मैथमेटिशियन माइकल बेजेडोमो जॉनसन, इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि आप अपने टाई को लगभग 1,75,000 तरीकों से बांध सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट नंबर टू, जब आप कभी सफ़र करते हो तो आपने देखा होगा कि रास्ते में कहीं कहीं चौराहे मिल जाते हैं जहाँ पे चार रास्ते एक दूसरे से कट करती है और कभी कभी गोलाई वाला चौराहा भी मिल जाता है, बिल्कुल इस तरह। पर मेन बात तो यह है कि राउंड अबाउट इंटरसेक्शन या गोलाई चौराहा नॉर्मल चौराहे से कई गुना ज़्यादा सेफ होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राउंड अबाउट इंटरसेक्शन 75% दुर्घटना या इंजुरी क्रैशेस को कम करता है जो कि नॉर्मल चौराहे से होती है। बस यही कारण है कि आजकल गोलाई वाला चौराहा ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर थ्री, आजकल जूता पहनना तो लोगों का फैशन ही बन गया, पर ये अलग बात है कि ज़्यादातर लोग अब बिना सोलेस वाली जूते को पहनते हैं। पर जो लोग फीते वाली जूता पहनते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि फीता के दोनों एंड पॉइंट पे प्लास्टिक या मेटल का टिप लगा होता है जिसे एंगलेट्स कहते हैं। एंगलेट्स वर्ड एग्यूलिट्स फ्रेंच वर्ड से उत्पन्न हुई जिसका मीनिंग होता है नीडल। नेक्स्ट फैक्ट नंबर फोर, कंप्यूटर तो हर कोई चलाते होंगे तो आप माउस को भी जानते होंगे जिसके सहारे आप कर्सर को मॉनिटर पे मूव कराते हैं, परंतु आप जिसे माउस कहते हो ना वो ओरिजिनली में माउस नहीं है, एक टर्टल है, मतलब कि कछुआ। क्योंकि पहले की जो भी इस तरह की प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर था उनका कहना यही था कि कछुआ जिस तरह से छोटा और बहुत ही कम या धीरे धीरे मूव करने वाला प्राणी होता है और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि बॉडी का सारा फंक्शनल सेल एक हार्ड सेल के नीचे होती है जो कि शरीर का सबसे ऊपरी पार्ट पे होता है। एग्जैक्ट इसी तरह की बनावटी कंप्यूटर माउस की भी है क्योंकि माउस की साइज स्मॉल होती है और साथ ही कर्सर को मूव कराने के लिए माउस को बहुत ही कम मूव करना पड़ता है और माउस की सारा फंक्शनल पार्ट या माउस का सारा फंक्शनल सेल सबसे हार्ड सेल के नीचे होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट टर्टल की तरह। नेक्स्ट फैक्ट नंबर फाइव, आप सभी तो टीवी रोज देखते होंगे पर अगर आपको कोई कह दे कि आपको बिना टीवी रिमोट के 2 या 4 घंटा लगातार बैठकर टीवी देखते रहना तो आप शायद ही देख पाओगे क्योंकि ये सारा चीज टीवी रिमोट पे डिपेंड करती है। परंतु क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले 1898 में टेली ऑटोमेशन निकोल टेस्ला के द्वारा इन्वेंट किया गया था। टेली ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस कुछ दूर से रेडियो वेव के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले टीवी रिमोट टीवी सेट के साथ एक वायर से जुड़ी हुई थी, फिर बाद में 1956 में यूजीन पॉली के द्वारा वायरलेस टीवी रिमोट शिकागो शहर में इन्वेंट की गई जो कि टेली ऑटोमेशन थ्योरी पे आधारित थी। नेक्स्ट फैक्ट नंबर सिक्स, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही इसे कॉटन कैंडी ही कहते हैं ना, जिसे बचपन में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत ज्यादा प्यार से इसे खाते थे और साथ में लोग ये भी कहते हैं कि मीठा खाने से कैविटी हो जाती है, दांत खराब हो जाती है। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कॉटन कैंडी का इन्वेंट फेमस डेंटिस्ट जॉन सी वार्टन के द्वारा 1895 में की गई थी। हालांकि कॉटन कैंडी जनरली लिक्विड शुगर स्पॉन के छोटे छोटे कणों से बनते हैं लेकिन बाद में आगे चलकर कॉटन कैंडी एक बिजनेस का रूप ले लिया जिसके सहारे बहुत सारे लोगों का घर परिवार चलता है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है कि माइक्रोवेव गलती से डिस्कवर्ड हो गई? वो वाली माइक्रोवेव नहीं, खाना बनाने वाली माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं। सन 1940 की बात है, एक इंजीनियर जिसका नाम पर्सी स्पेंसर था वो एक बार अपनी लैब में किसी रडार इक्विपमेंट के लिए मैग्नेट्रॉन बना रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पॉकेट में रखी चॉकलेट पिघलने लगी तो फिर उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट करना शुरू कर दिया, परंतु यह सब देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने इसके ऊपर डीप थिंकिंग की और उन्होंने एक नया माइक्रोवेव इन्वेंट करा। उन्होंने ये भी देखा एक माइक्रोवेव कन्वेंशनल चूल्हा के कंपैरिजन में बहुत ही कम हीट एनर्जी पर खाना गर्म कर सकता है। तो जब उन्होंने सबसे पहले माइक्रोवेव इन्वेंट करा सबसे पहले उन्होंने उसके ऊपर पॉपकॉर्न और एग बनाए थे। नेक्स्ट फैक्ट नंबर एट, फर्स्ट वेवकैम कॉफी पॉट को चेक करने के लिए बनाया गया था ताकि वेवकैम की सहायता से कॉफी पॉट के अंदर तक व्यू कर सके कि कॉफी पॉट खाली है या कॉफी से भरा हुआ है। पर आजकल ये यूज ब्रॉड लेवल पे की जा रही है जैसे सिक्योरिटी पर्पस, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट इत्यादि। परंतु सबसे पहले वेवकैम एक छोटी सी टास्क या काम के
के लिए बनाया गया था। सन 1993 ईस्वी की बात है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के शोधकर्ताओं को अपनी कुर्सी से बार बार उठकर कॉफी की बर्तन जांच करने से नफरत थी। बस उनको ये चेक करना होता था कि कॉफी पॉट खाली है या कॉफी से भरा हुआ है। बस इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम को बनाया जो कि हर 3 मिनट में कॉफी की बर्तन की छवियों को स्ट्रीम करके रिजल्टेंट के रूप में यह बता सके कि यह कॉफी पॉट खाली है या भरा हुआ है। परंतु सारी प्रोसेस ट्रेसन रूम में होता था जिसमें कि कॉफी पॉट इंटरनली कंप्यूटर नेटवर्क में रखा जाता था। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।